वेदिका किचन किंग में आपका स्वागत है। आज हम खेत में आए हैं। आप देख सकते हैं अरबी की खेती बहुत ही अच्छी है, हरी भरी है। अरबी की खेती काफी दूर तक हुआ है। देखिए, हम अरबी के कुछ पत्ते ले लेंगे और अरबी के पत्ते से हम आपको बिल्कुल अलग तरीके की सब्जी बनाकर दिखाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनेगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप जान पाएंगे कि अरबी की बिल्कुल अलग तरीके की सब्जी हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पत्तों को डंडी से काट कर अलग कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम इसकी डंडी को काट कर अलग कर लेंगे। और अब हम पानी में इसको अच्छे से धो लेंगे। पत्तों को छानकर अलग कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम एक टोकरी में रख लेते हैं। देखिए, पत्ते हमारे धुल चुके हैं। अब हम चूल्हे में ईंधन को जला लेंगे। पानी ले लेते हैं। पतीले को हम चूल्हे पर रख लेंगे। और पानी को हम ढककर छोड़ देते हैं जब तक इसमें अच्छा उबाल ना आ जाए। हम चावल बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं। चावल को 2 से 3 बार धोएंगे। देखिए, हम चावल का पानी एक बर्तन में छान लेते हैं। चावल हमारा धुल चुका है। अब हम चूल्हे पर प्रेशर कुकर भी रख लेंगे। कुकर हमारा गर्म हो चुका है। डालते हैं रिफाइंड ऑयल, जीरा भी डाल लेंगे और चावल भी डाल लेंगे। और इसे अच्छे से भून लेंगे। और आधा चम्मच हम नमक डालेंगे और इसे भी मिला लेंगे। और अब हम चावल में पानी डालेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे। 1 से 2 सीटी का इंतजार कर लेते हैं। इधर हम देख लेते हैं, पानी भी हमारा अच्छा उबल गया है। 1 चम्मच नमक डालेंगे और धुले हुए अरबी के पत्ते भी डाल लेंगे। यह पत्ती जो हम उबाल के बनाएंगे तो इससे जो है गले में खुजली नहीं होगी और ये सब्जी बिल्कुल अलग तरीके से बनाई जा रही है। देखिए, पत्तों को अच्छे से हम डुबो देंगे ताकि अच्छे से उबल जाए। और अब हम इसे ढककर छोड़ देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए।
तब तक हम प्याज काट लेते हैं। प्याज एकदम बारीक बारीक काटेंगे। टमाटर भी काट लेते हैं। टमाटर भी हमारा कट चुका है। देखिए हम पत्तों को देख लेते हैं, अच्छा उबल रहा है कि नहीं। देखिए पत्ते हमारे जो है पक चुके हैं। अब हम इसे छान कर एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए इस टोकरी में हम निकालेंगे ताकि पानी इसका जो है अच्छे से निचुड़ जाए। देखिए अब इस तरीके से अगर आप सब्जी बनाएंगे तो गले में खुजली बिल्कुल नहीं होगी और सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। देखिए अब हम इसे एक थाली में रख लेते हैं। पत्तों को हम चाकू से काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। देखिए पत्ते अभी गर्म है इसीलिए हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, बाद में इसे हम हाथ से मैश कर लेंगे। देखिए पत्ते में जो मोटी मोटी डंडियां होती है उसे भी हम निकाल लेंगे। उबालने से यही फायदा होता है कि जो मोटी मोटी डंडियां होती है पत्ते की उसे हम अलग कर सकते हैं। अब हम एक कटोरी बेसन डाल लेते हैं। कटे हुए प्याज भी डाल लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल लेते हैं। आधा चम्मच डालते हैं आमचूर पाउडर। नमक डालते हैं स्वाद के अनुसार। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच डालते हैं जीरा काली मिर्च का पाउडर। और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए सारे मिश्रण को हमें अच्छे से मिला लेना है। मिश्रण हमारा तैयार है। चूल्हे पर हम कढ़ाई रख लेते हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका, डालते हैं रिफाइंड ऑयल। देखिए चावल भी हमारा बन चुका है। अब हम चावल को नीचे उतार लेते हैं। फिर से हम कढ़ाई रख लेते हैं जिसमें हम सब्जी के लिए मसाला तैयार करेंगे। देखिए तेल भी हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। पहले हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा मिश्रण डाल के। देखिए अब इस मिश्रण को निकाल लेंगे। अब हम अरबी के पत्तों के छोटे छोटे पकौड़े बना लेंगे। इस तरीके से पकौड़ी बनाकर सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और यह सब्जी चावल के साथ तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए पकौड़े को हम एक एक करके पलटते रहेंगे ताकि जले ना और अच्छे से पक जाए। अरबी के पत्तों के पकौड़े बनकर तैयार है, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं
और इसी तरीके से हम सारी पकौड़ी को बनाकर रख लेंगे। गर्मी के मौसम में अरबी के पत्ते अरबी की बहुत सी रेसिपी बनती है और आगे भी हम आपको अरबी के पत्तों की और अरबी की रेसिपी बनाकर दिखाएंगे। प्लीज आप हमारी वीडियो देखते रहें। देखिए ये भी पकौड़े हमारे बनके तैयार है, इसे भी हम इसी प्लेट में निकाल लेंगे। ये भी कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, इसमें भी हम डालते हैं सरसों का तेल। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, डालते हैं जीरा, सरसों के दाने और एक चुटकी हम डालते हैं हींग, कटे हुए प्याज भी डाल लेंगे। और इसे अच्छे से भून लेते हैं। प्याज को हम तब तक भूनेंगे देखिए जब तक हमारा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज हमारा भून चुका है, डालते हैं कटे हुए टमाटर, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, जीरा काली मिर्च का पाउडर और एक चम्मच डालते हैं हल्दी पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल लेंगे और मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। देखिए मसाला हम तब तक भूनेंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, टमाटर भी पक चुका है। अब हम ग्रेवी के लिए पानी भी डाल लेंगे। और फिर से एक बार इसे मिला लेते हैं। एक चम्मच हम अमचूर पाउडर भी डाल लेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच डालते हैं देगी मिर्च, जिससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम इसे ढककर छोड़ देते हैं। अब हम चावल को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं जीरा राइस बहुत ही अच्छा बना है। इस सब्जी के साथ जीरा राइस बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए चावल हमारे बिल्कुल खिले खिले बने हैं। अब हम मसाले को भी देख लेते हैं, पानी में अच्छा उबाल आ रहा है। और जो अरबी के पत्ते के पकोड़े बनाकर हमने रखे थे वो भी इसमें डाल लेंगे, तभी ये बनेंगे हमारे अरबी के पत्तों के कोफ्ते। देखिए इसे हम मिला लेते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। और अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि पकौड़ी जो है मसाले में अच्छे से डूब जाए और पकौड़े में मसाले का टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार है। आप देख सकते हैं सब्जी देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही अच्छा लगेगा। सब्जी को हम नीचे उतार लेते हैं। अरबी के पत्तों के कोफ्ते और जीरा राइस बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए आप इस तरीके से सब्जी बनाइए और खाइए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।